रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि एक बार अनुपमा शाह परिवार की मदद करेगी। सोमवार के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ईशानी की तबीयत पाखी की वजह से खराब होती है, लेकिन वो सारा ठिकरा बापूजी के सिर फोड़ देती है। अनुपमा सिचुएशन को संभालने की कोशिश करेगी तो पाखी उल्टा उसे ही घेरना शुरू कर देगी। आज के एपिसोड के आखिर में अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो दिखाया गया है। इस नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि बुधवार के एपिसोड में शो में एक नया सीक्वेंस शुरू होगा। शाह परिवार को पता चलेगा कि गुलाटी ने उसकी कैटरिंग नहीं करने का फैसला किया है। शाह परिवार इस बात का आरोप भी अनुपमा पर लगा देगा कि उसने और अनुज कपाड़िया ने गुलाटी को इतना खरी खोटी सुनाई जिसकी वजह से वो भाग गया। अनुपमा चाहे तो कैटरिंग का काम खुद संभाल कर मिनटों में शाह परिवार की मुश्किल का हल कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। देविका के साथ बातचीत में वो बताएगी कि अब उसे खाना बनाने में डर लगने लगा है। उसे लगता है कि कहीं उससे कोई गलती न हो जाए। तब देविका उसे हिम्मत बढ़ाएगी और उसे बताएगी कि वो स्वयं अन्नपूर्णा है, उससे गलती कैसे हो सकती है। इधर जहां देविका अनुपमा को फिर से कुकिंग करने की हिम्मत दे रही होगी, उधर अनुज कपाड़िया फिर एक बार उसे यह जता देगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। अनुपमा और अनुज कपाड़िया के बीच फिर एक बार रोमांटिक सीक्वेंस देखने को मिलेगा। अनुपमा के साथ बातचीत में अनुज कहेगा कि वो उसके हाथ की चाय पीना चाहता है। तब अनुपमा कहेगी कि उसने अपने भाई के लिए चाय बनाई थी, लेकिन वो जल्दी जल्दी में पीकर नहीं गया, इसलिए वो थर्मस में पैक करके ले आई है। वो चाय पी जाएगा और अपना मुंह जला लेगा। दोनों जब साथ में जा रहे होंगे तब अनुपमा की सैंडल टूट जाएगी और हमेशा की तरह अनुज कपाड़िया अपने हाथ से उसे सैंडल पहनाएगा। अपकमिंग एपिसोड के इस नए ट्विस्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।